हमने अदाउल किताब अल मंजर तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आख और रिसाला। मैं लेता हूँ रिसाले को, इफ्ताहिल गिलाफ, मैं खोलता हूँ गिलाफ, इकरा रिसाला, मैं पढ़ता हूँ रिसाले को। इसी तरीके से खुदर रिसाला ते यहाँ बकर, मैं लेता हूँ रिसाला ए बकर। और इसी तरीके से इफ्ताहिल गिलाफ, मैं तू खोल गिलाफ को, इकरार रिसाला, तुम पढ़ो रिसाले को। हुक्म दिए जा रहे हैं अमर का सीखा है यहाँ पर, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अमर होता क्या है। आकदार रिसाला, मैं लेता हूँ रिसाले को, इफ्ताहिल गिलाफ, मैं खोलता हूँ गिलाफ को, इकरार रिसाला, मैं पढ़ता हूँ रिसाले को। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा है रिसाला और गिलाफ के जो है दो अलग अलग हैं। और यहाँ पे अब इसकी बताया जा रहा है इसके बारे में कि भाई इफ्ताहिल बाब या उमर, तुम दरवाज़ा खोलो ए उमर। और इफ्ताहिल बाब आखरिज, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और मैं निकलता हूँ। आखरिज मिनल गुरफा, मैं निकलता हूँ कमरे से। इसी तरीके से आखरिज आखरिज या उमर, मैं उमर तुम निकलो निकलो। इफ्ताहिल बाब, मैं खोलता हूँ दरवाजे को। और यहाँ पे एक आखरिज मिनल गुरफा थी, कमरे से निकलो ए उमर। अच्छा अगर आखरिज जो आएगा वही है भाई, इसमें तीन चीज़ें भी हो सकती है, मैं निकल रहा हूँ सही है कमरे से ए उमर। इसी तरीके से इफ्ताहिल बाब में भी आ रहा है कि मैं खोलता हूँ दरवाज़ा ए यासिर अदखिल, मैं दाखिल होता हूँ ए यासिर इफ्ताहिल बाब, मैं खोलता हूँ। अच्छा यहाँ पर तस्वीर बनी है इफ्ताहिल बाब वादखिल, मैं खोलता हूँ दरवाज़े को और मैं निकलता हूँ, मैं और मैं दाखिल होता हूँ। वादखिल इलल गुफरा, और फिर मैं दाखिल हो रहा हूँ कमरे में। वादखिल इलल गुफरा, मैं दाखिल हो रहा हूँ कमरे में ए यासिर। वादखिल इलल गुफरा, मैं दाखिल हो रहा हूँ कमरे में। अभी एक तमरीन है। अच्छा इसमें अला कुबरा जो है वो हमारा रह गया है, कुबरा बड़े करते हैं, मफ़आलुन मफ़आलानी मफ़ाइलु मफ़ाइलुन व मफ़ाइलुन, करने का बड़ा आला, करने का दो बड़े आला, करने के बहुत से बड़े आला। वही बात है, दर्जुमा पढ़ने का बताने का मकसद है, जब जब इस तरीके की चीज़ आएगी तो हमने ये दर्जुमा करने होंगे, करने का एक बड़ा आला। बहस इसमें तफसील क्या होती है ये देख लेना, इसमें तफजील मुज़क्कर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहस इसमें तफजील है, बहस इसमें तफजील जो है देख लें, अफलू अफलानी अफलून अफ़ैलू अफ़ैलू, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अकबर अल्लाहु अकबर हम कहते हैं ना, तो ये भाई इसमें तफजील ना ज़्यादती के माने में आता है। मतलब अब देखें अकबर जो है यहाँ पर, अगर अफल लिखा हुआ है कि बार बड़े को कहते हैं, तो हम यहाँ पर अफलू की जगह अकबर हुआ अगर लगाएं सकते हैं, अजरबू लग सकते हैं, अंसरू लग सकते हैं। अंसरू अगर उसका बाप होगा तो उसके तर्जुमे यूँ होंगे, अकबर होगा होगा ज़्यादा बड़ा, मतलब अल्लाह ताला के माने पे यही ना कि ज़्यादा बड़ा, अकबर हूँ ज़्यादा बड़ाई करने वाला, और अफल हूँ ज़्यादा करने वाला, ज़्यादा करने वाले दो, ज़्यादा करने वाले बहुत से, ज़्यादा मारने वाले, ज़्यादा मदद करने वाले। इसी तरीके से सबके तर्जुमे होंगे, जो ये सिर्फ आपको सैम्पल दिया जा रहा है एक तरीके का सैम्पल, और सैम्पल। और इसी तरीके से अगर दूसरे ये सीखे होंगे, मतलब दूसरे इसमें मजदर लग जाएंगे, तो उनके तर्जुमे बस करने वाला यहाँ पे आ रहा है तो मारने वाला, इस तरीके से तर्जुमे चेंज हो जाएंगे। इसमें तफजील मोनस का भी बिल्कुल यही है, फोला फोला यानी फोलाया तुम फोलू वो फोला, ज़्यादा करने वाली एक और ज़्यादा करने वाली तोड़ दें, ज़्यादा करने वाली बहुत सी, ज़्यादा करने वाली बहुत सी, थोड़ा ज़्यादा करने वाली एक और।